हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारा खारिया एफएम 97 के लाइव पेज पर हम इस वक्त लाइव हैं, मोहम्मद अमनान और मेरे साथ जनाब हमारा खारिया एफएम 97 की सारी टीम इस वक्त हमारे लाइव स्टूडियोज में मौजूद है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर को और केक कटिंग सेरेमनी है, उसके अलावा न्यू ईयर की ये पार्टी है और ये सारा जश्न जो है आप लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं। आपको हम सबसे पहले केक का दर्शन करवाएंगे और केक की तस्वीर देखने के बाद, जी हाँ जी, ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर 2021 का केक है और इसे देखने के बाद हम बाकी लोगों से भी आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे साथ मौजूद हैं जी फैसल रशीद। जी जी, अपना नाम आप खुद? जी बिल्कुल, आरशिफ अली हसन जी। जी मुझे क्लेम से आ गया थे और इनके तो तारुफ की मुझे प्यार से फैसल रशीद कहते हैं। अच्छा जी, मुझे प्यार है वैसे से फौजी से ज्यादा कहते हैं। आज मलिक रिम शाहदर इस्माम से बाबाजी बुलंद आज शुजा आज सनिया नौरी नासिर अलिश्बाख्तर। माशाल्लाह जी, हमारा सारा गुलदस्ता जो है ना वो मौजूद है। अंकल रफीक वैसे मोस्टली ये वर्ड यूज करते हैं तो हमारा अच्छा, और इधर भी हमारे साथ मौजूद है अंकल जफर मौजूद है और हमारे कैमरा मैन जो है ना, क्या बात है जी, थोड़ा सा इधर हो गया फेमस बंदा आज जिन्हें दिखा। ऑलराइट जी, और सारे हो गए, हम सब मिलकर मना रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो तमाम देखने सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में आप लोग हमारे साथ हमारा कार्यक्रम एफएम 97 से लाइव और ये केक कटिंग सेरेमनी हम स्टार्ट करेंगे। बदस्ते मुबारक हमारे स्टेशन मैनेजर और हमारे प्रोग्रामिंग मैनेजर और बाकी सारे भी साथ देंगे इनका। और जनाब बिल्कुल हम भी इनके साथ हैं और मैं आप सब लोगों को ये दिखाना चाहूंगा, हैप्पी न्यू ईयर कहिए ना, नारायण न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और दुआ और उम्मीद के ये साल हम सब की जिंदगी में खुशियां, सलामती, बहुत सुकून और तरक्की लेकर आए और हम सब की जिंदगियों को खुशी से भर दे ये साल। चले जी, नारायण न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन जो यहाँ पर मौजूद हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू जो लोग हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी देख रहे हैं और पूरी दुनिया को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। तमाम लोगों के लिए हम बेस्ट विशेस और नेक तमन्नाएं। अच्छा जी, और अच्छा जी, आप उनको खिलाएंगे और ये वलीद हसन ने भी केक खा लिया, शुक्र है बस। अभी फैसल रशीद भी खाएंगे और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप एक पार्टी भर ले, क्योंकि वलीद ने नहाना है इतने से पानी में। नाउ फॉर यू अपनी गर्ल्स को आप ये समय से काटेंगे फिर हम ये इधर। जी जी, और हम सब फैमिली जो है ना जनाब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी है हमारे घर पे 97 पर लाइव, आप लोग देख रहे हैं। और फौजिया ने जनाब आरजू को खिलाया, इस्मा को खिलाया, आपका नाम अलिशबा, हाँ, और रिमशा तो वो पीछे खड़ी है, छोटी सी पारो सी क्यूटो सी अलिशबा, सॉरी। अच्छा, और वो जी और मोमिना शीजा को खिलाएगी आप फौजिया केक, फौजिया खुद भी खाना है। अच्छा जी, जितना बचेगा वो फौजिया नहीं खाना लगता, टॉपिक नहीं है कोई ना। हाँ, आज टॉपिक न्यू ईयर वाला ही है ना तो आज टॉपिक की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, देखने और सुनने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जी जी, बता दे, इससे पहले हम न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट करते थे। जब्बार हमें देख रहा है, राजा जब्बार, थैंक यू जाहिर। हाँ, जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं माशाल्लाह काफी ज्यादा यहाँ पे फैन फॉलोइंग है, मेरे ख्याल अपनी पर्सनल आईडी से रेडियो के पेज से, रेडियो की तो फिर है ही फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच जी, 97 एफएम पे हमेशा आपकी सपोर्ट रही, आप लोगों का प्यार रहा और 2020 को हमने बड़े अच्छे तरीके से गुजारा। नो डाउट कोविड ने आके काफी परेशान किया, लेकिन स्माइली फेस के साथ हमने हर परेशानी का, हर मुश्किल का हमने मुकाबला किया। और पाकिस्तानियों के हवाले से कहते हैं इनके दिल बहुत बड़े हैं, चाहे ये ओवरसीज में जाके बस जाएं, चाहे ये पाकिस्तान के किसी भी गली कोने में हो। तो आज 2021 का पहला दिन है, जनवरी की पहली तारीख है, 1 जनवरी को हम सारी टीम यहाँ पे मौजूद है 97 एफएम की, और एक जो है न्यू ईयर पार्टी उसका एहतमाम किया गया जिसका आगाज़ हमने केक कटिंग से किया। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह अभी इनके लिए और बहुत सी मज़ेदार चीज़ें हैं जो ये लोग इन्जॉय करने वाले हैं। नाइट में बारबेक्यू ना सही, डे लाइट में ही सही, लेकिन डे लाइट में हम बारबेक्यू भी करेंगे और उसका भी तस्करा, बल्कि वो भी लाइव हम जाएंगे अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। और आपको सबसे पहले मैं आपके व्यूज लेना चाहूँ, आपको कैसा फील हो रहा है आज ये केक कटिंग सेरेमनी? मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ, बेसिकली सारे मेरे कोलीग्स हैं इनके साथ मैंने काम किया, कुछ नए हैं कुछ पुराने, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और
मेरी ख्वाहिश होती है हमेशा कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं और एक गेट टुगेदर हो, अपने व्यूज एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे की बातें सुनने का मौका मिले, क्योंकि हम लोगों की बातें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन आपस में हमारी इस तरह की गेट टुगेदर बहुत कम देखने को मिले। जी बिल्कुल, सारे स्टार्स हमारे साथ हैं। नेक्स्ट स्टार हमारे पास हैं जी क्लीम जैसा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जहां जहां से देख रहे हैं, उन सब के लिए जनाब मोहब्बतों भरा सलाम और हैप्पी न्यू ईयर। और बात यह है कि ये एक इकट्ठा होने का, मिल बैठने का एक बहाना होता है, और आज FM 97 की पूरी टीम, पूरी फैमिली यहाँ पर इकट्ठी है और हम सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और सुबह से लेकर अब तक और अब से लेकर रात गए तक आप हमारी ट्रांसमिशन भी सुनेंगे न्यू ईयर के हवाले से। और ये एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, अख्तर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हमारा T20 यानी 2020 बहुत अच्छे तरीके से गुजरा, लेकिन कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना है कि पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने इतने अच्छे तरीके से अपने आप को बचाया है, और इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वो अपना भी तहफ्फुज़ करेंगे और अपने घर वालों का भी। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और अगले सितारे हमारे साथ हैं वलीद हसन। वलीद हसन जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं जरा बताइएगा। फीलिंग्स जो है ना वो शेयर नहीं हो सकती, ठीक है ठीक है, लेकिन गल है कि रेडियो तो जद भी आई दा बहुत इंजॉय करी दा, स्पेशली जब कोई इवेंट होता है, ठीक है, तो न्यू ईयर नाइट सी रात नूं तो सैलीब्रेट की आप, तो उस तो बाद उन दिन नूं जिहड़ा ना वो शुरू हो गया काम, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सारे लोगों का बहुत शुक्रिया, जिन्ने लोग आए, जितने आर्जेस आए, टीम आई सारी, ठीक है। उस तो बाद मैनेजमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने एड्डी सोहनी पार्टी अरेंज की, तो इंशाल्लाह तुसीं भी तक रहे हो कि एड्डी सोहनी पार्टी है, तो बाकी लोग भी सोहने ने उन्होंने। अगले सितारे बहुत जाने माने और उर्दू में ना पंजाबी से। हाँ जी, फैसल रशीद साढ़े नाल ने, और फैसल रशीद हो रहा पूछा कि तुहाडे की हालात ने, तुहाडे की तासुरात ने इस न्यू ईयर दी सेलिब्रेशन दे बारे च की कहना चाहोगे। मैं कहना चाहंदा जी कि देखो तीन चार चीजां होंदियां ने जिहड़ियां ना जिंदगी नूं बहुत खुशगवार बनांदियां। अच्छा, नंबर एक जिथे जिहड़ा वर्किंग प्लेस है वो जिहड़ी फैमिली है, वह मेरी सारी फैमिली इस वक्त इकट्ठी है, मैं बहुत खुश हाँ। ठीक हो गया, साडी सारी फैमिली नूं एक फैमिली बनाने च सब दी आम किरदार उन्हां लोकां दा जिहड़े इस वक्त सानूं देख रहे ने, हमेशा सानूं देखदे ने, वह मेरे नाल ने, ते खाना भी मौजूद है, अबा वाल तुसी मौजूद हो, ते इना सारिया चीजां दे उपर एक चीज है हैप्पी न्यू ईयर। इना सारे मौकियां दे मेरियां बहुत सारिया दुआवां ने अपनी इस फैमिली वास्ते, FM 97 दे टब्बर वास्ते, ते जिथे जिथे लोग सानू देख रहे ने वो भी साडे टब्बर दा, साडी फैमिली दा हिस्सा ने। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। पंजाबी दा बन गया, बहुत वधिया जिहे अपने हालात शेयर कीता। और अभी हम आएंगे जनाब उर्दू की शहजादी और हमारी न्यूज डिपार्टमेंट की हेड मिस फौजिया सज्जाद, और मिस फौजिया सज्जाद के व्यूज हम लेना चाहेंगे कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। अच्छा जी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन साथ में दूसरी भी आ रही, इधर आएंगे। अच्छा जी, न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन हो रही है हमारे खरीफ एम 97 पर और इस पार्टी के हवाले से, और आप क्या फील करते हैं? देखिए, ये तो बड़े उम्र के लोग थे, ये अच्छी अच्छी बातें कर गए। मैं जब इस उम्र को पहुंचूंगी तो अच्छी बातें मैं भी कर लूंगी। मैं अभी सिर्फ इतना कह सकती और अभी हमारे साथ है जी हमारा रेडियो का अगला सितारा अर्जु मलिक। अर्जु मलिक, वेलकम टू यू और हैप्पी न्यू ईयर। आप क्या कहना चाहेंगी हैप्पी न्यू ईयर पार्टी के हवाले से? बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन, और FM 97 का शुक्रिया, आप सब देखने वालों का शुक्रिया जो हमें इतना सराहते हैं हमेशा। 2020 आप लोगों के साथ गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा और बहुत मजा आया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच अर्जु मलिक। अगला सितारा हमारे साथ है इस्मा मसूद। इस्मा मसूद, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, और ये सेलिब्रेशन और ये सारा कुछ देकर रंगीनियां और ये सारे सितारे इकट्ठे हैं, तो आप क्या फील करते हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने लिसनर को भी हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगी, और ये सारी डेकोरेशन और FM का बहुत जो है ना वो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, और जो बोलने वाला था वो बाकी सब लोग बोल गए और मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या मजीद बोलो, लेकिन आप लोगों से ये के लिए ही दुआ है कि आप लोग खुश रहे हमेशा, दूसरों को भी खुश रहे। जी बिल्कुल, जो आपकी खुशी है वो आपके चेहरे से यहाँ होती है। और अगला सितारा है हमारे पास ना नदर देन सनिया। सनिया, वेलकम टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर एज वेल, और क्या कहना चाहेंगे सारे माहौल के बारे में, और आप क्या फील करती हैं, और जो भी कुछ कहना चाहें। फील का कहें तो मुझे सर्दी फील हो रही है। ओके, और बाकी इट्स अ गुड इवेंट, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक्स टू सर कदीम, स्पेशली सर अख्तर फॉर गिविंग सच एटमोसफियर एंड दिस वेरी ब्यूटीफुल पार्टी, और सबसे कहूंगी कि हमेशा खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए। थैंक यू सो मच जी। और अगला सितारा हमारे साथ हैं जी, अगला सितारा है नन अदर देन मोमिना शीजा।
हमारी जनाब छोटी सी ये स्टार और काफी अरसे से रेडियो के साथ, और अब तो माशाल्लाह बड़ी हो चुकी हैं। तो मोमिना शीजा को कैसा लग रहा है जी रेडियो पर ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं? थोड़ी सी सैड हूँ कि बॉनफायर नहीं हुआ, क्योंकि हर दफा हमारा जो न्यू ईयर आता है ना वो पता चलता है कि एक ईयर गया और दूसरा ईयर गया। ऑब्वियसली इस वजह कोविड की वजह से वो हो गया, कोविड-19 की वजह से और कुछ सर्दी बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ठीक हो गया। बट आई एम वेरी हैप्पी और आज बहुत ज्यादा मजा आया और आप लोगों के साथ भी और मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम भी है, सो ऑल द बेस्ट। और अगला सितारा हमारे साथ है जी हमारी रेडियो की नई आवाज जो आज इंट्रोड्यूस करवाएगी और नेक्स्ट ये आपके साथ मॉर्निंग शो भी किया करेंगी, नोरीन आसिफ। नोरीन आसिफ का ये फर्स्ट न्यू ईयर है जो सेलिब्रेट हो रहा है हमारा खरी एफएम 97 के साथ, तो नोरीन आसिफ के क्या तासुरात हैं, आप क्या फील कर रही हैं और यहाँ पर ये फर्स्ट न्यू ईयर? मेरा आज फर्स्ट डे था, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और इंशाल्लाह आने वाला वक्त एफएम 97 के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरेगा और ये मेरी होप्स हैं। इंशाल्लाह Happy New Year, everyone. और बेल जी थैंक यू सो मच। अगला सितारा हमारे साथ, जी जी आप आ जाएं। और अगला सितारा है जी हमारे साथ पकीजा, और पकीजा थोड़ा सा इधर आए। हाँ जी, और पकीजा कैसा फील करती है, हमारा खरी एफएम 97 की टीम का ये हिस्सा है और आप ये जो सेलिब्रेशन हो रही है सारा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? आज सारी फैमिली एफएम की इकट्ठी है और हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि सबका नया साल बहुत अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया पकीजा आपने बहुत अच्छे हालात का इजहार करने के लिए। और अगला सितारा जिनको सारे ही जानते हैं, मुझे तो वैसे आप लोग जानते ही हैं लेकिन ये इनको भी जानते हैं जनाब आरजे जुनेद इकबाल, माशाल्लाह लंबा चौड़ा सितारा चमकता दमकता जी सभी सुनने वालों को और देखने वालों को, सुनने वाले तो कोई भी नहीं है, चलो देखने वालों को सभी को बहुत 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 नया साल मुबारक हो। और कहना सुना क्या सबने बड़े 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 बोल भले बड़े बड़े बंदे थे, तो बाकी कहना ये चाहूंगा कि पिछले जो गोल्स थे कोई भी है ना, आप गोल सेट करने हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने भी मेरे भी कुछ गोल्स हैं और उम्मीद करता हूँ आप भी उन गोल्स को अचीव करना चाहेंगे, गोल सेट करेंगे आपके। मेरे जितने भी पुराने थे अच्छा कोई एक भी मेरा गोल नहीं रहा, मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं रात भी यही बात कर रहा था हमजा के साथ कि मेरे सारे, बाकी अगर एफएम 97 की बात करूँ तो मैं तकरीबन सवा दो से ढाई साल हो गया मेरे साथ मैं एफएम 97 के साथ जुड़ा हुआ और इतना कुछ सीखने को मिला। जब मैं आया था तो जीरो और आज मैं फेसबुक और रेडियो की वजह से यू नो आई एम हीरो। बिल्कुल जी, ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और मैं आपके साथ अब आना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी देर में जो हमारा है लाइव डे बारबेक्यू नाइट, वैसे होता है हमारा लाइव डे बारबेक्यू जो है ना ये पार्टी का हिस्सा है और केक कटिंग तो हो चुकी है, आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का और नवाजिशों का। और थोड़ी ही देर में हम दोबारा से लाइव होंगे आप लोगों के साथ और वो जो बारबेक्यू का सीन है उस हवाले से भी, तो हमारी नेक दुआ आप लोगों के साथ। मोहम्मद अमनान और राजे जुनेद इकबाल को फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान है। ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर करना है, लाइक कमेंट जरूर करना है। हैप्पी न्यू